सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भट्टुकला में विश्व रक्तचाप दिवस मनाया गया। इस दौरान SMO डॉक्टर सुजाता बंसल ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति व महिला को नियमित रूप से अपना रक्तचाप चेक कराना चाहिए, वहीं संतुलित आहार का भी सेवन करना चाहिए। उन्होंने बताया कि उच्च रक्तचाप होने पर घी व नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेकर अपनी दवाई लेनी चाहिए, दवाई का नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। इस अवसर पर डॉक्टर सुशील कुमार, डॉक्टर मीनाक्षी, कुलदीप गुरवाण, सरोज बुडानिया, सुनीता, ममता, कृष्णा, संदीप सहित अनेक कर्मचारी व मरीज मौजूद रहे। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की टीमों ने खंड के विभिन्न स्कूलों, पैक्स, जन स्वास्थ्य अस्पताल, पशु अस्पताल में कर्मचारियों से 28 मई की जींद रैली के लिए संपर्क अभियान चलाया। सर्व कर्मचारी संघ की टीम में कोषाध्यक्ष मेनपाल खिलेरी, विनोद गोदारा, मनोहर लाल शर्मा, हनुमान रिवार्ड बिस्ला, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के खंड कोषाध्यक्ष जयवीर लोयल शामिल हुए। उन्होंने खाबड़ा कला, गदली और ढाबी कला में संपर्क अभियान चलाया। वहीं दूसरी टीम में जिला सलाहकार पृथ्वी सिंह बाना, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के सचिव सत्यपाल सिंह ढाका, राम सिंह बांबू शामिल रहे। उन्होंने सरवरपुर, बोधीवाड़ी व कुकड़ावाड़ी में कर्मचारियों से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, कौशल रोजगार निगम को बंद करना, पुरानी पेंशन नीति बहाल करना, APC का लाभ देना, समय अनुसार वेतन आयोग का गठन कर वेतन विसंतियों को दूर करना, पंजाब के समान वेतनमान लागू करते हुए लिपिक वर्ग को 35,400 रुपए का स्केल दिया जाना चाहिए, कोरोना काल के 18 महीने में एरियर का भुगतान करना, पार्ट टाइम सेवक के पेंशन ग्रेजुटी लाभ में जोड़ा जाना सहित अनेक मांगों को लेकर 28 मई को हुड्डा ग्राउंड जींद में रैली होने जा रही है। यह एक ऐतिहासिक रैली होगी। कर्मचारी नेताओं ने कहा है कि कर्नाटक में धर्म के आधार पर बांटने की BJP की नीति को जनता ने नकार दिया है, इस प्रकार हरियाणा में भी BJP का सफाया करना है। इस रैली में हरियाणा से हर विभाग से ज्यादा कर्मचारी पहुंचेंगे और अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार को मजबूर करेंगे।